जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त कनाल रोड पर ही मैं मौजूद हूं और ये एफसी कॉलेज का ब्रिज है। यहाँ पे नीचे एक अंडरपास है और यहाँ का मंजर मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि जो स्पीड की बात करते हैं वो शहरियों को किन किन पॉइंट्स पे पकड़ेंगे, किन किन पॉइंट्स पे आगाही देंगे। जरा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि ओवरहेड के नीचे से गुजरने वाली ट्रैफिक को अगर जूम इन करें तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक वायलेशन भी नजर आएगी, आपको एक्सट्रीम राइट पर मोटरसाइकिल सवार भी जाते हुए दिखाई देंगे और आपको लाइन तब्दील करते हुए रैपिडली लाइन तब्दील करते हुए शहरी भी नजर आएंगे। इसके अलावा आपको ओवर स्पीड जो है वो वाज़े तौर पर नजर आएगी। इस वक्त जितनी गाड़ियां मोटरसाइकिल यहां से गुजर रही हैं उनकी स्पीड 80 के करीब करीब है, या तो 75 होगी या 80 होगी। कोई भी स्पीड का जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही लाइन का रूल फॉलो किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी बाकायदा तौर पर अपनी लाइन तब्दील कर रहे हैं, गाड़ी वाले भी अपनी लाइन तब्दील कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको इंतहाई लेफ्ट पे अपनी मोटरसाइकिल रखनी की जरूरत है, लेकिन वो इंतहाई राइट पर भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी जिंदगियों को खतरे में डालते हुए ये शहरी जो है वो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमें फयाज मलिक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, इस सेगमेंट में भी हमारे साथ होंगे। फयाज मलिक साहब, आप देख रहे हैं आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किस किस को ई चालान भेजेंगे, किस किस का आप किबला दुरुस्त करेंगे? मदिया, बात तो फिर वही आ गई कि अभी तक हम लोग जो है आगाही और शऊर के पीछे छुपते हैं, अपनी गलतियों को छुपाते हैं। अब देखें, कोई एक मुझे कार सवार मोटरसाइकिल सवार दिखाते हैं, हम शहर के मसरूफ तरीन ब्रिज पे खड़े हैं और ये नीचे एफसी अंडर पास है। अब मैं बताएं, कोई एक गाड़ी वाला, कोई एक मोटरसाइकिल वाला जो लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी ना कर रहा हो, जो ओवर स्पीड ना कर रहा हो। हमने नाज़रीन मुतादित प्रोग्राम किए हैं इसी ब्रिज के ऊपर खड़े होके भी, हमने कनाल रोड का जो इदारों की नेगलिजेंसी है उसको भी हाईलाइट किया। हमने एक प्रोग्राम ये भी किया कि कौन कौन से ओवरहेड ब्रिजेस ऐसे हैं जहां पर इंतहाई हट का बोर्ड और बैरियर नहीं लगा है, वो भी हमने आवाज उठाई तो एलडीए को जरा सा होश आया और एक ब्रिज के अंडरपास के दाखले के ऊपर ओवरहेड जो उसका ब्रिज था उसके ऊपर हद ऊंचाई का बोर्ड और बैरियर भी नष्ट कर दिया गया। अब हम ये भी देख सकते हैं कि वहां पर एक ओवर इस ब्रिज के ऊपर इस अंडरपास के गुजरने वालों के लिए एक इंतहाई ऊंचाई का बोर्ड और बैरियर भी नष्ट है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे मुतादिद बल्कि 75 पूरे कनाल रोड के ऊपर अंडर पासेज हैं और 75 में से एक या दो के ऊपर आपको ये हद ऊंचाई के बोर्ड और बैरियर नजर आएंगे। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि नए कवानीन का इतलाक करवाने के लिए मीटिंग्स बिठाई जा रही हैं, लेकिन वो फिजिबल कैसे है ये सोचा नहीं जा रहा। तो ये स्पीड को कंट्रोल करना फिजिबल है? देखिये मदिया, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये, आप स्पीड कंट्रोल कर ले, ओके, मानते हैं जी स्पीड कंट्रोल। आप कैनाल रोड की चले हम बात कर लेते हैं, बाकी जो मेन बुलेवार्ड्स हैं हम उनकी बात नहीं करते, जैसे जे रोड हो गई, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, डिफेंस हो गई, हम उनकी बात नहीं करते, कैनाल रोड की बात कर लेते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि पूरे दिन में कैनाल रोड से अगर 10 लाख गाड़ी और मोटरसाइकिल गुजरती है ना, तो कमो बेश 5 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो ओवर स्पीड और लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी करेंगी। मगर सेफ सिटी अथॉरिटी का ये इकदाम खुश आयन है। शायद ये कौम थोड़ी सी ना ख्वाहिब होती है कि इनकी जेब से कोई पैसे निकाले ना, तो फिर ये डरती है, ये जुर्मानों से डरती है, ये एक सजा से डरती है। तो ये स्पीड लिमिट के जो कैमराज लगे हैं और इनके साथ जो जर्नी मैनेजमेंट सिस्टम के सेंसर्स लगे हैं, ये बड़ा अच्छा इकदाम है और इससे कैनाल रोड पर मैं समझता हूँ जो ट्रैफिक हादसात की जो शरह है उसमें वाज़े तौर पर कमी आएगी। अच्छा फयाज मलिक साहब, एक ये हो गया कि हमने ओवर स्पीड वालों का चालान करना है, लाइन के खिलाफ वर्जी वालों का चालान करना है, इसके अलावा और कौन से इनिशिएटिव हैं जो पाइपलाइन में हैं इस वक्त? देखिए, पाइपलाइन में काफी सारे इनिशिएटिव हैं जिनमें जो है 1 दिसंबर से मतवक्के है कि जो मोटरसाइकिल सवार के साथ सेकेंड सीटर है, यानी चाहे वह खातून है या मर्द है, उसके लिए भी हेलमेट पहनना जो है वो बहुत जरूरी करार दिया गया है। और यहाँ मैं मदिया आपको ये भी बता दूं कि ये कोई नया कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तानियों के लिए कानून तब्दीली सरकार नहीं लेके आई, ये फॉरेन कंट्री में आपने भी काफ़ी ममालिक का विजिट किया, आपने देखा है कि वहाँ पे तो साइकिल सवार जो है वो भी साइकिल का जो है
हेलमेट पहन के निकलता है। आपके कहने का मतलब है हमारे शहरियों के लिए तो नई चीज होगी, लेकिन अगर हम अपने मुल्क से बाहर चले जाएं तो एक कतई तौर पर नई चीज नहीं है। बहुत से लोगों ने शिकायत की कि पीछे बैठने वाली यानी मोटरसाइकिल पर राइडर की पीछे बैठने वाली अगर खातून होगी तो वह हेलमेट कैसे पहनेगी। तो ये बात तो कुदरत से पूछी जाए कि अगर कोई मर्द गिरता है जमीन पर मोटरसाइकिल से तो उसका सर भी उसी तरह उसी शिद्दत से फटेगा, और अगर खातून मोटरसाइकिल के पीछे बैठी है और खुदा न खासा हादसा हो जाता है तो उनका सर खातून का सर भी उसी शिद्दत से फटेगा। देखिये मदिया, मर्द की जो अल्लाह ताला ने एक बनाई है ना, मर्द थोड़ा सा हार्ड है, वो दर्द बर्दाश्त कर लेता है, वो दर्द को सह लेता है। औरत से सिनफे नाजुक है और औरत अगर गिरेगी तो उसकी जो चोट की शिद्दत है वो मर्द की शिद्दत से कई ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे मर्द हजरात के लिए मोटरसाइकिल पर हेलमेट जरूरी है, वहीं पे खवातीन के लिए भी हेलमेट उतना ही जरूरी है। अभी हम शहरियों से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं, वो क्या कहते हैं और नए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से वो कितनी आगाही रखते हैं, आइए जरा शहरियों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ई चलान क्या है ये आपको मालूम है? ई चलान आजकल घरों में आ रहा है, कैसा इकदाम है ये? ये फिलहाल अच्छा इकदाम नहीं है क्योंकि इसमें बड़ी डिस्टर्बिंग हो रही है, कन्फ्यूजिंग हो रही है। क्या कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन ये है कि कोई बाइक चला रहा तो उसकी नंबर प्लेट वो कहता है मेरी नहीं है, हालांकि नंबर प्लेट मतलब वो इस तरह की कोई आ रही मुख्तलिफ मतलब स्पीड के हवाले से भी, स्पीड को कंट्रोल करने के हवाले से भी चलान होगा वो मालूम है क्या? हाँ जी, वो अब शुरू सुना है अभी आजकल, ये वो भी लॉन्च का हो रहे हैं ये भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ई चलान का इनकार किया गया है, ई चलान आपको पूरी तरीके से भी पता चल गया है? सेफ सिटी अथॉरिटी हो या वार्डन्स हो, शहरियों तक मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो गए कि ई चलान क्यों आएगा, कैसे आएगा? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, किसी तरह से भी पूरी अवेयरनेस ई चलान के हवाले से नहीं दी गई, ठीक है, और एकदम से हमारे ऊपर ये लागू कर दिया गया है। तो अभी वो आपके सामने है सारी सिचुएशन कि पता ही नहीं चलता और ई चलान जो है वो घर आए तक कहाँ पे कैमरे लगे हैं, कहाँ पे नहीं लगे। वैसे तो वायोलेशन करनी नहीं चाहिए, इशारे की वायोलेशन नहीं करनी चाहिए सिग्नल्स के हवाले से भी, बल्कि ट्रैफिक के हवाले से कोई भी वायोलेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जब आप एकदम से लागू कर रहे हैं, जब आप एक चेंज ला रहे हैं एक सिस्टम में, तो आपको कम से कम अवेयरनेस तो देनी चाहिए ना। कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं? अवेयरनेस दें, ये पंपलेट लगाएं, ये बकायदा लोगों को एक कंपेन चलाएं। जिस ये बेहतर नहीं कि आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, आप दुराने ड्राइविंग मोबाइल फोन ना सुने, आप मोटरसाइकिल को एक लिमिट में चलाएं जो कि आपकी जान के लिए भी जरूरी है। अवेयरनेस आपको पता है ना मोटरसाइकिल कैसे स्टार्ट होती है, कैसे बंद होती है, इसमें कितना पेट्रोल डलता है, कितने पैसों का पेट्रोल डालता है। अगर इन चीज़ों की अवेयरनेस है तो गाड़ी की भी अवेयरनेस होनी चाहिए आपको चलाने की। नहीं देखें, गाड़ी चलाने की बिल्कुल कम्प्लीटली अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है। बात तो ये कर रहे हैं कि जब आप एक अपने किसी कंट्री में जब एक चीज़ आप लागू कर रहे हैं अपनी आवाम के ऊपर, अपने शहरियों के ऊपर, तो हर कोई पढ़ा लिखा तो नहीं है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसा तबका हमारा जो कि बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है, ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर वही लोग हैं जो कि मजदूर तबका लोग हैं, ठीक है। तो उनको कम से कम जो है ना ये चीजें अवेयर करनी चाहिए कि जो इतने एजुकेटेड नहीं है, ताकि उनको एजुकेट किया जाए। उन्हें पता ही नहीं कि मुझे ई चलान जमा कैसे करवाना है बैंक में जाके, आउट वो कैसे प्रोसीड करेगा, ये इसको थोड़ा सा जो है चेंज होना चाहिए। ये आवाम की राय थी। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने फ्रूटफुल गुफ्तगू की है। कि इस शहरी का ये कहना था कि जो मोटरसाइकिल चलाते हैं लोग वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए उन्हें के चलान आएगा कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ई चलान क्या है ये मालूम है? इशारे को आप क्रॉस करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके घर चलान आ जाएगा। अच्छा एकदम है ये, परेशानी है इससे आपको? अच्छा है। और परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है। इससे ट्रैफिक वायलेशन कम होगी? कम होगी बिल्कुल, लोग अवेयरनेस होगी लोगों के कैसे इशारे पे रुकना है या क्या करना है। इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक पुलिस आपको आगाह करने में कामयाब हुई है, आपको पता है क्या लॉज है? कोई ट्रैफिक वालों ने नहीं बताया, कोई आगाही नहीं है, नहीं है। होनी चाहिए आगाही, होनी चाहिए, पहले तो इसका आगाह होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए ना कि क्या हो रहा है। मैं उस कौम का नुमाइंदा हूँ या मैं उस कौम से ताल्लुक रखता हूँ जिसको सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई आपका ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड है तो आप इशारे की वायलेशन ना करें, चार चार वार्डन जो हैं वो खड़े होते हैं। मैं उस कौम का बासी हूँ, मैं उस कौम का नुमाइंदा हूँ जिसको बताना पड़ता है कि भाई आपका इशारा बंद है। उनको नहीं पता कि हमारा इशारा बंद है, हमने वायलेशन ना करें? नहीं, लोगों को खुद भी पता होता है ना कि इशारा बंद है, लेकिन वो अपनी जल्दी में
टाइम को बचाने के लिए कि मैं जल्दी से निकल जाऊँ। हालांकि इशारा बंद होता है तो आगे से वो इशारे को क्रॉस कर जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हमने बात की है शहरियों से भी और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, फयाज मलिक साहब भी हमारे। अभी हमने CTO से भी बात करनी है, मजीद भी हम लोगों से बात करते हैं। एक और शहरी हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए, ई चलान मालूम है क्या है? जी मालूम है, ये कैमरे के जरिए वो अगर एक लाइन क्रॉस करेंगे तो चलान होगा, घर चलान हो जाएगा। अच्छा, इसके हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने आपको क्या मुकम्मल आगाही दी है, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे पहुंचाया जाएगा आपके घर, आपने कहां पर चालान जमा करवाना है, तमाम आगाही दी उन्होंने? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। होनी चाहिए, होनी चाहिए। स्पीड के हवाले से कहा जा रहा है कि अब 70 से ज्यादा स्पीड जो कनाल रोड पे रखेगा उसको भी चालान आएगा, ये खबर आप तक पहुंची? अगर पहुंची, कैसे पहुंची, नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची? ये खबर नहीं पहुंची, वैसे 70 से ज्यादा ही होती है स्पीड जहाँ पे, जितनी 70 से ज्यादा होती है, 70 से ज्यादा होती है। लेकिन ये भी आगाही क्रिएट करने में नाकाम रहे? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अच्छा, अभी तक ई चालान आया या आपने देखा या आपके घर वालों में से रिश्तेदारों में से किसी को आया ई चालान? अभी तक किसी को नहीं आया। वही मतलब बात होगी ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की जो शरह है वो बहुत ज्यादा है, मगर ई चालान जो है वो सिर्फ 5 से 6 हजार का है रोजाना की बुनियाद पर। इसको हम ये भी कह सकते हैं, हमसे बात करने, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी टेस्ट के बुनियाद पर इसको चेक कर रहे हैं, इस सिस्टम को बाकायदा तौर पर उन्होंने, अगर इसको रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ ई चालान करे ना तो मैं दावे से ये बात कर सकता हूँ कि रोजाना लाहौर की सड़कों पर सिर्फ ई चालान के जो ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जो ई चालान होंगे उनकी तादाद 1.5 से 2 लाख के करीब होगी, उनकी तादाद इस हद तक वायलेशन है। अभी हम अवर एड ब्रिज पे खड़े थे तो आपने नीचे देखा, ऐसे था कि गाड़ियों का एक तूफान जा रहा है, कोई बंदा ना लेन की पाबंदी कर रहा है, ना ही वो स्पीड लिमिट की पाबंदी कर रहा है, दुराने ड्राइविंग फोन सुना जा रहा है, हेलमेट की भी जो पाबंदी है वो मैं नहीं समझता कि नार रोड पे वो मुअसर नहीं है। फयाज मलिक साहब हमारे साथ ही हैं, अभी हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, हमने शहरियों से बात की है और हर शहरी जिससे हमने बात की है या तो उसको ई चालान का नहीं मालूम है, या तो उसको ये मालूम नहीं है कि ई चालान आता है तो उसके जमा कैसे करवाना है, उसको ये भी मालूम नहीं है कि स्पीड के ऊपर चालान होगा, उसको ये भी मालूम नहीं है, मुकम्मल तौर पर अवेयरनेस नहीं है कि जो लाइन है उसकी खिलाफ वर्जी पर भी उसको चालान होगा। तो ये कानून तो बनाने हैं लेकिन कानून के ऊपर अवेयरनेस किससे देनी है, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। यहाँ पर हम चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब से मुलाकात करने के लिए उनके दफ्तर जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।